मोदी कैबिनेट के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर सवालिया निशान खड़ा किया है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इस धरती पर न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, लेकिन आपने ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जहां मसाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हों। राहुल गांधी द्वारा कल भारतीय लोकतंत्र के बारे में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि लोकतंत्र की इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है जब देश के प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से देश लोगों और किसानों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की समझदारी में कठिनाई है, शायद यही वजह है कि हर सप्ताह उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री और किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने आए महेंद्र नाथ पांडे के मंच पर तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन होते दिखा, लेकिन मंच के नीचे पंडाल में कोविड नियमों और शारीरिक दूरी कहीं नहीं दिखी। काफी दिनों से संसदीय क्षेत्र में दूर रहे महेंद्र पांडे की नजर स्थानीय भाजपाई पर पड़ सके, इसकी वजह से किसानों की कार्यक्रम पर भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया। मोदी जी के स्वानंद को सुनने आए किसान पंडाल में पीछे की सीट पर बैठे रहे, क्योंकि भाजपाइयों ने आगे की सीट कब्जा लिया था। निश्चित तौर से किसान संगठनों को उच्च प्राथमिकता देकर के अपना वार्ता की मेज पर आना चाहिए, आंदोलन समाप्त कर किसानों के साथ खड़ा। डॉक्टर, कल राहुल गांधी गए थे राष्ट्रपति से मिलने, वहां पर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, केवल कल्पना में दिखाई देता है लोकतंत्र भारत में। अभी लोकतंत्र की इससे जीती जागती क्या मिसाल मिलेगी, राहुल जी की समझदारी में थोड़ी कठिनाई है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है हर हफ्ते, ये दिक्कत है उनके संग कि आज प्रधानमंत्री सीधे देश के किसानों से कोरोना के चलते इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक एक बात बता रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ये लोकतंत्र कहिए तो एक पहल है। किसान नेता राकेश टिकैत कहे हैं कि दो कदम सरकार है, दो कदम किसान भी आगे चल के इसका हल निकाला जा सकता है। सरकार ने तो इतनी विनम्रता से कई राउंड वार्ता की, उनको भी विचार करना चाहिए। पहला कदम है जो पीएम साहब ने कहा है, तर्क और तथ्य के आधार पर बात करें, सारे संवाद के रास्ते खुले हैं। टिकैत जी और उनके साथी इसकी इस पहल का वेलकम करें। दिक्कत कहाँ है सरकार और किसान के बीच, दिक्कत कहाँ है? समझौता करना चाहती है सरकार और किसान भी, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत के पीछे है कि पंजाब के कुछ सुसंगठित लोग, आढ़ती, ये जो इस आंदोलन को आप देख ही रहे हैं कि ऐसा आंदोलन आपने देखा नहीं होगा कि उसमें मसाज भी हो रहा है और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बहुत से आंदोलन इस धरती पर हुए उत्तर भारत के 72 वर्ष की आज़ादी के सफर में, तो आप देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, उन किसानों का सम्मान है। तो ये जो संगठित आढ़ती लोग हैं, उनको लगता है कि मेरे हितों पर चोट पहुंचेगी, तो संपूर्ण देश के 135 करोड़ के देश में जो 90 करोड़ 100 करोड़ से अधिक किसान है प्रत्यक्ष, उनके हितों की जगह कुछ लोग अपने हितों को देख रहे हैं। दिक्कत यही है, अगर वो सबका सोचेंगे तो इसका स्वागत करेंगे। पांडे जी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने देश पर राज किया है, अचानक कांग्रेस जिंदा हो रही है किसान आंदोलन को लेकर। कांग्रेस अभी आपको कहाँ दिखलाई पड़ रही है? कांग्रेस अभी कश्मीर में उसको जिंदा नहीं हो पाई, 2 वार्डों में हैदराबाद जहाँ 50 वर्ष उसने शासन किया, जब उत्तर भारत में आपातकाल के बाद जहाँ से नकार दिए गए थे तो दक्षिण में ही थोड़ी सी जगह मिली थी, वहाँ 2 वार्डों में सीमित हो गए, केरल में सीमित हो गए, तो कहीं किसान जिंदा, कांग्रेस जिंदा नहीं हो रही। कांग्रेस तो उस इतने संभ्रम की शिकार है कि इतनी पुरानी पार्टी पर कभी कभी दया आती है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बिजली बिल में फर्क पड़ता है। ये विभिन्न राज्यों का अलग अलग बिजली बिल का टैरिफ उत्पादन है, उस पर लगातार भारत सरकार एकीकृत पहल करती है। समाजवादी पार्टी अलाव जलाओ कार्यक्रम ग्राम सभा तक रख रही है, आपके मुलाकात किस तरह देखते हैं उनके कार्यक्रम को? देखिए, समाजवादी या किसी दल को अपना आंदोलन संघर्ष कार्यक्रम करने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसान आज अनेक भाजपा की सरकार के कदमों से खुश हैं, उसके साथ चलें।